तो मेरे पीछे तीन तस्वीरें हैं, एक तस्वीर है विराट कोहली की, एक तरफ नासिर हुसैन है, दूसरी तरफ जेफरी बॉयकॉट है। आप जानते हैं नासिर हुसैन और जेफरी बॉयकॉट इंग्लैंड के दिग्गज कप्तान रहे हैं, लेकिन आज शायद जरूरत से ज्यादा बोल गए। नासिर हुसैन ने यह कहा है कि यहां से अब यह सीरीज मर्दों और बच्चों के बीच होगी, बॉयज एंड मेन। उन्होंने कहा कि भारत की टीम ने बड़ा निराश किया है, लेकिन वो अब मानते हैं कि 5-0 की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जेफरी बॉयकॉट ने हदें पार कर दी। जेफरी बॉयकॉट ने भारत के खेल को नाइव, इररिस्पॉन्सिबल, स्टूपिड, एरोगेंट, ब्रेनलेस, यानी कि बुद्धुओं की तरह, मूर्खों की तरह और गैर जिम्मेदारान तरीके से भारत खेला है। जेफरी बॉयकॉट ने कहा कि भारत अहंकार में था और भारत के टीम मैनेजमेंट ने ब्रेनलेस यानी कि दिमाग ना होने का सबूत दिया। उनका मुताबिक भारत को तैयारी करनी चाहिए थी बेहतर, भारत को खेलना चाहिए था बेहतर, लेकिन अब सवाल यह है कि यह बदजुबानी से होगा क्या। हर दौरे पर भारत जब इंग्लैंड जाता है अच्छा नहीं खेलता है, दौरे के बीच ये बदजुबानी मदन जी शुरू हो जाती है। नासिर हुसैन की बात मैं फिर भी कुछ हद तक क्रिकेट के लिहाज से समझता हूं कि आप क्रिकेट में कह देते हैं कि दिस इज बॉयज वर्सेस मेन, मर्दों और बच्चों के बीच है, ठीक है, जो टीम हार रही होती है उसे आप बॉयज कह देते हैं। लेकिन जेफरी बॉयकॉट जिन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मूर्खता, गैर जिम्मेदाराना, दिमाग ना होना, बेवकूफ होना, ये शोभा नहीं देता शायद। नहीं देखिए, शोभा नहीं देता, और नासिर हुसैन और जेफरी बॉयकॉट को भी मालूम है, भी आज तक कोई भी इंटरनेशनल साइड जब भी कभी ट्रेवल करती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो और चाहे इंडिया हो, मैं इंडिया को भी साथ, जब भी वो बाहर जाती है आप उनके रिजल्ट देख लीजिए, चाहे इंग्लैंड 4-0 हार के गया है, यहाँ पे आप 4-0 हार के गए हैं, तो इनको मालूम है। हाँ, ये निराशा जरूर है, हमें भी बहुत निराशा है, आपको भी बड़े निराशा है कि नंबर वन टीम ऐसा नहीं खेल सकती, दो दिन में मैच खत्म नहीं हो सकते, ये कहीं ना कहीं, या जो कहती है ना मेंटली स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी था, जो कि नहीं, जैसे आपने कहा तैयारी की बात की, वो तैयारी इन्होंने पूरी नहीं की, और इस ये मुकाबला जब आप नंबर वन होते हैं तो आपके पीछे सारी टीमें भागती है। भारत में भी आलोचना हो रही है हमारे कप्तान की, हमारे कोच की, हमारी टीम की, विदेशी टीमें भी भारत आती है, उनकी भी आलोचना करते हैं, लेकिन हम शायद इन लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करते। मुझे लगता है कि शायद क्रिकेट की मर्यादा पार की है जेफरी बॉयकॉट ने, अब पता नहीं, ये इस तरह के बयान कभी कभी तो टीम को जोड़ देते हैं, हो सकता है कि भारत के खिलाड़ियों ने भी ये सुना हो, उनके 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 नॉलेज में ये बात आई हो, उन्होंने पढ़ा हो। अब यहाँ से टीम अगर इकट्ठी नहीं होगी तो आज उन्होंने 5 बातें बोली हैं, कल वो 50 बातें बोल देंगे, बिल्कुल बोलेंगे। देखिए ये ऐसी बातें वैसे जोड़ देती हैं, बिल्कुल 90% जोड़ देती हैं, ड्रेसिंग रूम बिखर भी सकता है, अब नहीं और जुड़ भी सकता है, बिखरेगा नहीं, अब तो जुड़ेगा ज्यादा, क्योंकि देखिए जो प्रेशर इंडियन टीम के ऊपर आ चुका हुआ है, कैप्टन के ऊपर या बाकी जो बल्लेबाज हैं, जो बॉलर्स हैं, उनके ऊपर आ चुका है, तो इससे क्या होगा कि आप अपनी बेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए वो दबाव तो भारत की टीम पर है, वो कप्तान कोच पर दिख रहा है, क्योंकि विराट कोहली ने एक फैंस के नाम संदेश भी दे दिया है, उन्होंने कहा कि हम कभी जीतेंगे कभी हारेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन कप्तान के अलावा बाकी ज्यादातर खिलाड़ियों ने लड़ने का वो मादा नहीं दिखाया, वो जज्बा नहीं दिखाया, और आज इसी वजह से जेफरी बॉयकॉट और नासिर हुसैन भारत और भारतीय खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं। कई तमाम बातें हैं, अब कई चीजें सही भी हैं, कहने का तरीका शायद गलत है। अगर आप क्रिकेटर के लिहाज से देखें तो बॉयकॉट ने जो टेक्निकल बातें की वो सारी सही है, अब फिर वही बात आ जाती है कि आप इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये सच है कि भारत ने तैयारी ना की थी, ना ही शायद करना चाहते, क्योंकि प्रैक्टिस आज भी नहीं हुई, कल भी टीम की प्रैक्टिस नहीं हुई थी, आज भी टीम की प्रैक्टिस नहीं है, और कल टीम नॉटिंघम ट्रैवल करेगी, 3 दिन बल्ले को हाथ लगाने की जरूरत नहीं समझी किसी ने। नहीं देखिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप पहले ही आउट ऑफ टच हैं, क्योंकि आपके किसी बल्लेबाज ने रन नहीं बनाए हुए, ना ही कोई फॉर्म में चल रहा था, इट्स बेटर कि प्रैक्टिस करना और बैट को बॉल लगना बड़ा जरूरी है। देखिए वापसी हो सकती है, मेरे को पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने ही कहा था, हम सब ने कहा था कि ये बड़ी बैलेंस टीम है और बहुत बेहतरीन टीम है, इससे अच्छी कोई टीम नहीं गई। एक दिन को मेंटली जो प्रिपेयर करना है कि हम कौन से बल्लेबाज है जो हमारे 5-4 या 5 घंटे या 2-6 घंटे बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप वहां मार के नहीं खेल सकते, वहां कम से कम आपके जब, और दूसरी बात मैं क्या कहना चाहूंगा कि जब आप सेट हो जाते हैं, जब आपने 2-3 ओवर खेल लिए तो उसके बाद थोड़ा लुक फॉर रन, मतलब स्कोर बोर्ड चलना चाहिए, इस गेयर में खेल रहे हो या उस गेयर में खेल रहे हो। हाँ, उस गेयर में खेल रहे। देखिए अश्विन ने बैटिंग की अच्छी, पर उसने थोड़ा रन करने की कोशिश की है, देखिए उसमें देखो आप आउट भी हो सकते हैं, पर कब से कब उसने स्कोर बोर्ड तो चलाया। एक आंकड़ा आपको दिखाता हूँ कि अगर हमें ये लग रहा है वर्स्ट इज ओवर, मतलब बर्मिंगम में छोड़ा है, एजबेस्टन में और लॉर्ड्स में छोड़ा है ब्रॉड और एंडरसन को, ऐसा नहीं है। अच्छा, नॉटिंगम जहां पर ट्रेंट ब्रिज के मैदान में जहां पर ये मुकाबला होगा,
जिमी एंडरसन ने 9 टेस्ट मैचों में 60 विकेटें ली हैं, हर 40 गेंद में एक विकेट लेते हैं। हालांकि भारत वाली सीरीज में तो मेरे ख्याल हर 15 गेंद में एक विकेट ले रहे हैं, लेकिन नॉटिंगम स्टुअर्ट ब्रॉड का होम ग्राउंड है, उन्होंने 8 मैचों में 37 विकेटें ली हैं। पिछले साल याद होगा आपको उन्होंने 8 विकेटें ली थी एशेज में, भारत के खिलाफ 2011 टेस्ट मैच में उन्होंने हैट्रिक यहीं पर हुई थी, वहीं से टेस्ट मैच बदला भी था। भला आने वाले जो वक्त है वो इतना आसान तो नहीं होने वाला है, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि बिना प्रैक्टिस किए हम अगले टेस्ट मैच के लिए तैयार हो जाएंगे, वो सरासर गलत है। सुनील गावस्कर मेरे सहयोगी रसेश मंडानी को बताते हैं कि अगर अभी भी इस भारतीय ड्रेसिंग रूम में दबाव है तो बीसीसीआई को चाहिए यहां से चीफ सिलेक्टर को भेजा जाए वहां पर, ताकि जो चयन का सारा मसला है वो वहां जाकर उसे सुलझाए। तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इसे एक बेंचमार्क माना जा रहा था ओवरसीज कंडीशंस में। अब तक 12 में से 5 टेस्ट मैचेस इंडिया ने खेली है, साउथ अफ्रीका का सीरीज हार गए, 4 टेस्ट मैचेस इंडिया हार चुकी है, और खासकर इंग्लैंड में जो प्रदर्शन रहा, एक कॉमन ट्रेंड नजर आ रहा है कि जो प्रैक्टिस को लेकर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, जिसके बाद जो मुद्दा आपने भी उठाया है उससे शायद फर्क पड़ता है एक बड़े दौरे में अलग कंडीशंस में। हाँ, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा बनता है, क्योंकि आपको आप एक तरह से एक यूज टू हो जाते हैं कि जिस तरह से गेंद लाल गेंद स्विंग होते है, आपकी बैट स्पीड जिसको बदलना होता है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में आपकी बैट स्पीड और ज़्यादा होती है और टेस्ट क्रिकेट के लिए थोड़ी सी धीमी होनी चाहिए, तो वो सब आपको आप बल्लेबाज होते हैं तो आपको पैर के शरीर के नज़दीक खेलना चाहिए। वनडे क्रिकेट में आप दूर से भी खेल सकते हैं क्योंकि सफ़ेद गेंद इतनी हिलती भी है नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी, नेचुरली आएगी। तो अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर बात अलग ही होती है, क्योंकि आप वही मिस्टेक्स करते रहेंगे। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के स्टैट्स अगर हम देखें, विराट के एवरेज तकरीबन 50 के ऊपर है, दूसरे तमाम बल्लेबाजों की 20 भी नहीं है, तो आर दे अंडर परफॉर्मिंग या फिर इट्स अ टेक्निकल इशू? दोनों तरफ से अंडर परफॉर्म तो कर रहे हैं, मुरली विजय, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, उनके पास बहुत काबिलियत है, उन्होंने इसके पहले के टूर्स में भी अच्छे अच्छे रन्स बनाए, अच्छा प्रदर्शन किया है, पर जो एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी बाउंसी पिचेस पर जो साउथ अफ्रीका में होती है और मूविंग बॉल के खिलाफ जो इंग्लैंड में होता है, वो एडजस्टमेंट उन्होंने की है नहीं। और मैं और एक बार कहूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ कि प्रैक्टिस करें, मैच प्रैक्टिस करें, आप जितने ज़्यादा मैचेस खेलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस मैचेस में ट्राई आउट भी कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर विराट विद बैक स्पैसम्स फिर भी आप समझते हैं कि उन्होंने कहा कि वो उन्हें लगता है कि बैटिंग तो 100% कर लेंगे, शायद उस इंटेंसिटी के साथ फील्डिंग ना करें, लेकिन इस समय इतनी ओवर डिपेंडेंट है कि शायद विराट कांट अफोर्ड टू रेस्ट। बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि विराट कोहली 50% भी फिट हो तो उनको खेलना चाहिए, क्योंकि उनका जो प्रेजेंस ही है ना ग्राउंड पर, उससे सारी टीम अपलिफ्ट हो जाती है। विराट द बैट्समैन ने तो सनी भाई ये दिखा दिया कि मतलब 2014 टूर पुरानी बात थी, लेकिन विराट द कप्तान पे दबाव बढ़ता है, क्योंकि जब आप ओवरसीज कंडीशंस में इस तरह 2-0 से पीछे होते हैं तो कभी कभी एज अ कप्तान आप थोड़ा लोनली भी महसूस करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, अगर आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही, आप खुद स्वयं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो पर आपकी टीम अच्छा अगर नहीं कर रही है तो आप पर दबाव, कप्तान के नाते आप पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। अब जो करना है यहीं से करना है, नॉटिंगम में हो सकता है जगह बदले, वक्त बदले, किस्मत भी बदल जाए, क्योंकि किस्मत भी चाहिए। आपकी 11 क्या होगी अगले टेस्ट मैच? देखिए, कुलदीप यादव को ड्रॉप किया, आप एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर डालिए, जसप्रीत बुमराह को डालिए या उमेश यादव को, जो बुमराह फिट है अभी। फिट है तो ये डिसाइड करना पड़ेगा उनको, और ऊपर जो आपके ना मैं चाहता हूँ कि आप हार्दिक पांडे को की जगह एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाइए, करुण नायर जो भी है स्पेशल, जो आप लगता है कि आप, यही दो चेंजेस होनी चाहिए। तीसरी ऋषभ